जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी। ठीक है, सबसे पहले बात की जाती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। आपको पता है इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी आपके पास डाटा जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। कि वेन अ टाइम यू नीड समवन इंफॉर्मेशन यू जस्ट सिंपली फैच इट। ठीक है, और वो आपको क्या करता है? वो आपको ऑर्गेनाइज वे में डिटेल्स बता देती है, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जिस भी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज वे में आपको बता देती है। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी ये होता है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह शेयर करना है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की हम अगर डेली पर्पज़ में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। अगर आप घर में देखते हैं तो आपके पास टीवी सेट की एग्जांपल है। अगर आप देखते हैं डेली यूज़ में यूज़ होने वाला मोबाइल फ़ोन, इट्स एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना एक्चुअल में बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो दो मेन चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले बात की जाती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को कैसे देते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इस तरह देते हैं कि जब हम लोगों ने कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो या एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो तो हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ कमांड देते हैं जो कि कंप्यूटर फॉलो अप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लेट्स सपोज मैंने अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसके अंदर मैंने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, तो अब मुझे उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। अब वर्ड के ऊपर मैंने काम अगर करना है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगी, कंप्यूटर को कमांड दूंगी कि वो मेरे लिए वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करे। उस पर्पज़ के लिए क्या होगा, वो मैं उसको जाके क्लिक करूँगी, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा और मेरे सामने वो स्क्रीन को शो कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज वे में हम कंप्यूटर्स को फेडिंग करते हैं, कंप्यूटर्स को देते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम जो एक और टर्म से डिफाइन किया जाता है तो वो टर्म क्या है? प्रोग्राम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्या डिफरेंट टास्क होता है, टास्क परफॉर्म होता है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं। हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे अब वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वो जस्ट वर्ड की चीज़ों को सॉल्व करेगा, जैसे हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में हो गया, ऑर्गेनाइज वे में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, उसके कुछ खास टेम्पलेट्स हैं, हम लोग उसके फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आप लोग अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, वीडियो शेयर वीडियो स्लाइड्स बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल के सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में अपने डाटा को रखते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर का एक अपना काम है, अपने टास्क हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन हैं जो कि उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। अब जिस भी पर्सन ने सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है तो उसने उस खास टास्क को देखते हुए कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसको कौन सा टास्क प्रोवाइड कर रहा है, उसने फिर उस बेस पे उसको यूज़ करना है। ठीक है, पर्सन ने जब भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो सबसे पहले अपनी डिमांड के मुताबिक देखना है कि वेदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। और कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस जो कि इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड करता है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंप्यूटर ने भी बेसिकली उसी तरह ही काम करना है। ठीक है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो अब ये तो बात की थी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की,
अब हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल पार्ट अब कौन सा होता है? द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच। ठीक है, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। जी, तो अब इन दोनों में अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है कि आपके पास वो ऐसी पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको आप टच भी कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसको आप जस्ट जो कि इंस्ट्रक्शन पर बेस करता है, और वो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर में चलने चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपकी होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि एक्चुअल में क्या करना है। कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन वही होते हैं ना, जो चीज़ें आपको बताती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आपने किस प्रोसेस के बाद क्या स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर एक ऐसी सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि एक्चुअल में आपने टास्क कैसे परफॉर्म करना है, टास्क को कैसे करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन विदाउट सोल कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ बॉडी। ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट सोल। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी बॉडी है इट्स अ हार्डवेयर एंड योर सोल इज़ योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द हार्डवेयर। एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता, उसके बगैर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन उसके बगैर प्रोसीड नहीं हो सकती। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अ कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कम्बाइंड। और कंप्यूटर भी तभी यूजफुल है या फ़ायदेमंद है जब दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है तो इट्स अ बेसलेस, इट्स ये आपके किसी काम के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी तरह सॉफ्टवेयर आपके पास है लेकिन हार्डवेयर नहीं है तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों के लिए एक दूसरे का होना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते, दोनों का होना ज़रूरी है। उसके बाद अब लोग हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो है डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर आपकी क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, जबकि हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो कि क्या करते हैं, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा को प्रोसेस करने की वजह बनता है। ठीक है, जब आपने डाटा के ऊपर परफॉर्मेंस देनी है, डाटा को प्रोसेस करना है, तो आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपकी प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करता है, प्रोसेसिंग को प्रोसीड करता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर भी अपना कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता अपने सॉफ्टवेयर के बगैर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सके, बिकॉज इट्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज नॉट टेंजिबल, इसको आप टच नहीं कर सकते। ये जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है ताकि कंप्यूटर एक्टिविटी को परफॉर्म करे, टास्क को परफॉर्म करे। जबकि हार्डवेयर है, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, हम से टच भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फिजिकली हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं, उसके माउस को, उसके कीबोर्ड को, उसके मोनिटर को, उसके स्पीकर को, सो दीज आर द हार्डवेयर्स, दे कैन बी सीन एंड दे कैन बी टच, ये टेंजिबल होते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर को हम लोग डीबग करते हैं अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अब आप लोग जब इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है,
जब आप प्रोग्राम्स लिखते हैं तो अगर लेट्स सपोज प्रोग्राम लिखते हुए आपके पास कोई एरर आ जाता है या फिर कोई स्टेटमेंट आपने गलत लिख दी हो, उस केस में क्या होता है? प्रोग्राम लिखने के बाद कोई स्टेटमेंट अगर आपकी गलत हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो रन नहीं करती, वो एग्जीक्यूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर आ जाता है, और जब एरर आ जाता है तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो फर्दर प्रोसीड नहीं करती, फर्दर आपके रिजल्ट को जनरेट नहीं करती। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रोग्राम के अंदर से आपको एरर्स को ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है? उस प्रोग्राम के अंदर से आपको एरर्स को ख़त्म करना पड़ता है, और उस एरर्स को ख़त्म करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डीबग करना, ठीक है? और सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने एक और नाम दिया था प्रोग्राम का। तो जब भी हमने किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है, एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो हम लोगों को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, हमें प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोगों को उसके सिंटैक्स, उसके कंडीशन, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखने के बाद हम लोग ने ये श्योर करना होता है कि उसके अंदर कोई एरर ना आए, कोई सिंटैक्स एरर ना आए, किसी ग्रामेटिकल एरर ना आए, कोई लॉजिकल एरर ना आ जाए कि जिसकी वजह से आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना कर पाए। अगर इन केस आपके पास एरर आ जाता है, आपको मसला आ जाता है, कोई आपको आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करती, रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लोग दोबारा प्रोग्राम को चेक करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी किस्म का एरर आया या नहीं, और फिर एरर को ढूंढ के उसको दोबारा से चेंज करते हैं, सही करते हैं। तो उस केस को, उस चीज़ को हम कहते हैं डीबग, ठीक है? उस एरर रिमूविंग को हम लोग कहते हैं डीबग करना। और किसके अंदर हम डीबगिंग करते हैं, प्रोग्राम के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर। दूसरी चीज़ आती है हार्डवेयर। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर को हम रिपेयर करते हैं बिकॉज इट इज़ अ टेंजिबल, ये फिजिकली टच करते हैं, और फिजिकल डिवाइसेस या फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब मसला हो या प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है? उसके दोबारा से उसके टेक्नीशियन को बुलाते हैं, या फिर जो भी उसके बिल्डर उसको बुलाते हैं, या फिर उसको उसके पास लेके जाते हैं और वो उसको ठीक करता है, ठीक है? जैसे अब आपके CPU के अंदर कोई मसला आ जाए, या फिर आपके मॉनिटर के अंदर मसला आ जाए, स्पीकर्स के अंदर मसला आ जाए, तो वो चेक करते हैं जहाँ पर आप कंप्यूटर ठीक करवाने लोग के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर वो जाके सही करते हैं, वो सही करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और बताते हैं मसले क्या हैं, ठीक है? तो उसको रिपेयर किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर को डीबग किया जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम अकर हो जाए। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसको री इंस्टॉल करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि सॉल्व नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ करवाते हैं, ठीक है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके एक इन्वायरमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस की बेस पर बनाया जाता है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि आपके टास्क को परफॉर्म करता है एक इन्वायरमेंट में रहते हुए। अब क्या होता है जब आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर उस विंडो के अंदर कोई भी मसला आ जाए तो आप कहते हैं कि विंडो करप्ट हो गई है, और जब विंडो करप्ट हो जाती है फिर आप क्या करते हैं, आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करवाते हैं, नई विंडो करवाते हैं, इसको आमिर फात में लोग कहते हैं नई विंडो करवाना, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि आप उस जो विंडो करवाते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में फर्स्ट टाइम तो इंस्टॉल हुआ हुआ था लेकिन आपने इसको दोबारा से री इंस्टॉल करवाया। तो इन केस अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप दोबारा से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह के इसकी और भी एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जो कि रन नहीं कर रही है, कोई मसला कर रही है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं कि जब आपकी वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही हो तो फिर आप क्या करते हैं, केस ऑफ प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व नहीं, आपके से सॉल्व नहीं हो रही या फिर वो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो इस केस में आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल कर देते हैं। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करना अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। उसके बाद जो हार्डवेयर की बात आती है तो हार्डवेयर क्या करते हैं, हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। हार्डवेयर के केस में क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो अगर सॉल्व नहीं होती, हार्डवेयर के केस में क्या होता है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हार्डवेयर को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका हार्डवेयर है स्पीकर्स, ठीक है? अब स्पीकर काम नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, वो ठीक भी करवाने के लिए आप वो ठीक नहीं हो रहे,
अब क्या करेंगे, सिंपली आप स्पीकर्स को रिप्लेस कर देंगे न्यू स्पीकर्स के साथ, ठीक है। आप उसको रीइंस्टॉल तो नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट इंस्ट्रक्शंस, इट्स अ टेंजिबल डिवाइस जिसको आप रिप्लेस करेंगे। उसके अगर मसला आ गया है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही, तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद लास्ट पे, हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ फिजिकल मटेरियल और कॉम्पोनेंट्स, जबकि सॉफ्टवेयर इज बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को हम कैसे बनाते हैं? सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि आपको बताया है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम होता है और उसके अंदर क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जब भी हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना होता है तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बताती है कि आपने अपने जो कमांड्स है, एक्टिविटीज है, उसको किस तरह परफॉर्म करना है। जैसे आप कमांड दे, वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते जाएगा। उसके बाद जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर आपका फिजिकल मटेरियल पर डिपेंड करता है, फिजिकल कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ फिजिकल मटेरियल और कंपोनेंट्स। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।